सिंगल फेज का जो मोटर होती है उस मोटर को रन करवाने के लिए यदि आप एमपीसीबी का इस्तेमाल कर रहे हो तो इसका कनेक्शन करने के लिए आपको क्या करना होगा, जो आपका फेज सप्लाई है उस फेज सप्लाई को ले जाके एमपीसीबी के किसी भी एक टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। न्यूट्रल पावर सप्लाई को भी ले जाके दूसरे वाले टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दीजिए। अब ये जो टर्मिनल है इसके द्वारा हमें फेज सप्लाई मिलेगा, तो यहाँ से एक वायर को ले जाके मोटर को फेज सप्लाई प्रोवाइड कर दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना होगा कि ये जो टर्मिनल है यहाँ से एक वायर को लूप करके दोबारा से ऊपर साइड में ये जो आखिरी टर्मिनल है इसके साथ लूप करना होगा। यदि आपके पास में कोई ऐसा सर्किट ब्रेकर है जिसके जरिए आपको प्रोटेक्शन मिलता है तो वहाँ पे सभी टर्मिनल का आपको इस्तेमाल करना होता है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वायर का लूपिंग कर दिया। वायर का लूपिंग करने के बाद इसका जो आउटपुट टर्मिनल है वहाँ से एक वायर को ले जाके मोटर को न्यूट्रल पावर सप्लाई प्रोवाइड कर देना है। अब इसके बाद में जो आपका मोटर है उस मोटर को अर्थिंग डायरेक्टली प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो यदि आपको सिंगल फेज के मोटर को थ्री पोल वाली एमपीसीबी के द्वारा कनेक्शन करना है तो कुछ इस प्रकार से आपको कनेक्शन करना होगा। दोस्तों